Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402. And here we are in lecture number 5A of unit number 5. So in the last lecture, हम लोगों ने बात की थी F test की, जो कि use होता है to find out the difference between variance of टू पॉपुलेशन. जी हाँ, अगर दो सैंपल्स दो अलग अलग पॉपुलेशन से आए हैं तो वो दोनों सैंपल सेम है, दैट मीन्स दोनों पॉपुलेशन सेम है. इस चीज को चेक करने के लिए हमने बेसिकली एफ टेस्ट का यूज किया था. नाउ इन दिस लेक्चर हम एक नेक्स्ट टेस्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड काई स्क्वायर टेस्ट. जी हाँ, व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट? तो क्वांटिटी काई स्क्वायर रिप्रेजेंट की जाती है, दैट इज द काई स्क्वायर, राइट? दिस इज द ग्रीक लेटर. तो आप जानेंगे काई स्क्वायर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं. एंड ऑल्सो दिस टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड इन टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं काई स्क्वायर टेस्ट एज अ गुडनेस ऑफ फिट. तो क्या है इसका मतलब, यहां पे आपको टर्म समझ में आएगी, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बेस पे किस तरह से हम लोग काई स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं. तो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन काई स्क्वायर टेस्ट एज अ गुडनेस ऑफ फिट. सो काई स्क्वायर टेस्ट, अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखिए काई स्क्वायर टेस्ट. हर एक टेस्ट का मैंने पहले ही बताया है कि टी टेस्ट है या एफ टेस्ट है, और अब काई स्क्वायर टेस्ट है. सबका बेसिक फिजिकल मीनिंग याद होना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है. तो अगर मैं यहाँ पे काई स्क्वायर की बात करूं, तो क्वांटिटी काई स्क्वायर डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन. जी हाँ, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, थ्योरी है, और जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस आता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म काई स्क्वायर, राइट? जैसे थ्योरी कहती है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, सपोज मैंने बोला कि 70-80 के बीच में, या 80-90 के बीच में, या 90-100 के बीच में, सपोज देयर विल बी 5 स्टूडेंट ओवर हियर, 10 स्टूडेंट ओवर हियर, एंड 20 स्टूडेंट ओवर हियर. दिस इज माई थ्योरी, माई एक्सपेक्टेशन, राइट? बट जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, एक्चुअल उनका एग्जाम हुआ, तो उसके बाद मुझे देखने को मिला यहाँ 5 नहीं मिला, यहाँ पे 10 मिला, यहाँ पे 10 की जगह 20 आया, और यहाँ पे 20 की जगह कितना आ गया, सपोज यहाँ पे 5 आ गया, राइट? सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड रिजल्ट. तो यहां पर जो डिफरेंस बना थ्योरी के बीच में और एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बीच में, उसी डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है काई स्क्वायर टेस्ट, द क्वांटिटी काई स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, इफ ओ आई, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन, इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मींस एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज, एंड ई आई स्टैंड फॉर आई इज 1 2 3 डॉट 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 एन, वेयर ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड और थ्योरिटिकल. यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, ई फॉर एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ई फॉर एक्सपेक्टेड यानी थ्योरिटिकल फ्रीक्वेंसी है, कि हमने क्या सोचा था, वट वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड वट द एक्चुअल रिजल्ट इज, दीज आर कॉल्ड ओ आई. सो यहां पे अगर ओ आई और ई आई दो फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द काई स्क्वायर इज कैलकुलेटेड एज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई. दिस इज द फॉर्मुला फॉर कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर, राइट? तो सबसे पहले यहां पे वही है, सबसे पहली चीज, अगर मैं फिर से बेसिक टेस्ट की बात करूं, तो टेस्ट इज में हम लोग क्या स्टेप लेते हैं, सबसे पहली चीज, व्हाट इज एच नॉट, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. तो व्हाट इज नल हाइपोथेसिस इन दिस टेस्ट? नल हाइपोथेसिस हमेशा लेंगे, दैट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा थ्योरी प्रेडिक्ट कर रही है वैसे ही रिजल्ट्स आने वाले हैं, राइट? देयर इज नो डिफरेंस. देन उसके बाद हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मुला. उसके बाद एक काई स्क्वायर आएगा टेबुलेटेड वैल्यू, जो कि कहां से आती है, जो कि टेबल से आती है, एट डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो हियर द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एन माइनस वन, राइट? एंड देन उसके बाद सेम थिंग, अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस है काई स्क्वायर टेबुलेटेड से, देन द एच नॉट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज एच नॉट इज रिजेक्टेड, राइट? तो वही सेम चार स्टेप है, बस क्या चीज चेंज हो गई, हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मुला और किस सिचुएशन में हमें काई स्क्वायर को अप्लाई करना है, राइट? सो क्वेश्चन देखते हैं. सो हियर इज द प्रॉब्लम नंबर वन, जिसमें मैंने लिखा है काई स्क्वायर टेस्ट एज अ गुडनेस ऑफ फिट, राइट? अब गुडनेस ऑफ फिट क्यों कह रहा हूं, वो मैं क्वेश्चन को समझाने के बाद अभी आपको बताऊंगा. तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन प्री ब्रीडिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ सीड आर ऑब्टेन, राइट? राउंड एंड येलो टाइप की कैटेगरी में हमें 315 सीड्स मिले हैं, रिंकल्ड एंड येलो कैटेगरी में हमें 101 है, राउंड एंड ग्रीन 108, रिंकल्ड एंड ग्रीन 32, इन टोटल दे आर 556 सीड्स, राइट? सो यानी कि एक फैक्ट्री है जिसमें कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, एक्चुअल दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ कैटेगरी. तो अगर मैं यहां पे नहीं लिख लूं कैटेगरी टाइप ए बी सी एंड डी, राइट? सो वी गॉट फोर टाइप्स ऑफ कैटेगरी, एंड इन दिस कैटेगरी आई गॉट 315 सीड्स, आई गॉट 101 सीड्स, आई गॉट 108 सीड्स, एंड 32 सीड्स, इन टोटल 556, राइट? बट थ्योरी प्रेडिक्स दैट द फ्रीक्वेंसी शुड बी इन प्रपोर्शन 9:3:3:1. थ्योरी कहती है कि ये जो ए कैटेगरी का सीड्स आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 9/16 ऑफ टोटल,
Got it? यानी A type की category कितनी आनी चाहिए थी? 9 by 16, क्योंकि ratio क्या है इसका? 9. टोटल रेशियो कितना है? 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 16. सो 9 बाय 16 मल्टीप्लाई बाय टोटल 556. वहीं पे बी कैटेगरी के कितने सीट चाहिए? बी कैटेगरी के सीट चाहिए थे 3 बाय 16 इंटू 556. सी कैटेगरी कितना चाहिए था? अगेन 3 बाय 16 इंटू 556. और डी कैटेगरी कितना चाहिए? 1 बाय 16 इंटू 556. Got it? So, यानी कि आपको क्वेश्चन में दो टाइप की कैलकुलेशन मिलने वाली है, दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज मिलने वाली है. हमें पहचान करना है कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, कौन सी थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी है. तो अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस दिस इज द वैल्यू व्हाट आई एम गेटिंग. तो दीज फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज. एंड द सेकंड थिंग जो हमें मिला है दैट इज थ्योरी प्रेडिक्ट. तो दिस इज अ प्रोपोर्शन जो थ्योरी कहती है कि ये ए टाइप कैटेगरी इतना होना चाहिए, बी टाइप इतना होना चाहिए. तो दीज आर व्हाट? दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. राइट, दीज आर एक्सपेक्टेड यानी थियोरिटिकल फ्रीक्वेंसी. तो अगर मैं इन क्वेश्चन में बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑलमोस्ट केसेस में जो गिवन मिलेगी क्वेश्चन के अंदर वो मिलेगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. वी हैव टू कंप्यूट दिस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. राइट, सो यहां सिंपल सी आपको एक टेबल बनानी है जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है. अब यही चीज आप टेबल में कैलकुलेट कर लीजिए. सो दिस काइंड ऑफ टेबल यू विल राइट. राइट, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में पता है दैट इज व्हाट इज 3 ओआई ओ1 ओ2 ओ3 एंड ओ4. नाउ वी विल कैलकुलेट द ई1 ई2 ई3 एंड ई4. राइट, 9 बाय 16 इंटू 556, 3 बाय 16 इंटू 556, 3 बाय 16 इंटू 556 एंड 1 बाय 16 इंटू 556. तो ये आ गई हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको वेरिफिकेशन स्टेप में यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर मेरे पास समेशन ऑफ ओ आई दैट इज 556 है इन द क्वेश्चन, सो यहाँ पे समेशन ऑफ ई आई यानी ये जो हमने कैलकुलेशन करी है अगर आप इनको टोटल करेंगे सो ये टोटल भी आपका 556 ही आएगा. दिस इज द वेरिफिकेशन स्टेप, वैलिडेशन स्टेप. सो इन एवरी क्वेश्चन यहां पे आप लोगों को एक वैलिडेशन मिलेगा दैट इज समेशन ऑफ ओ आई इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई. सो हम जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका टोटल कर लीजिए एंड दैट टोटल मस्ट बी मैच योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टोटल. ये यहां पे क्रॉस चेक. अब आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, ऑब्जर्व गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है काई स्क्वायर क्वांटिटी दैट इज कैलकुलेट बाय समेशन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई. तो अब मैं यहाँ पे एक कॉलम यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए. दिस इज ओ वन यानी कि ओ आई माइनस ई आई यानी 315 माइनस 312.75 डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय ई आई. तो डिवाइडेड बाय ई आई यानी 312.75. सो हर एक वैल्यू के लिए ये कैलकुलेशन कीजिए और जैसे ही आप ये कैलकुलेशन करेंगे फाइंड आउट द समेशन, यही जो वैल्यू आएगी दिस वैल्यू इज कॉल्ड अवर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू. राइट, सो एक फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक हमने एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करी, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई जिसका समेशन हमें देता है काई स्क्वायर. और इस टेबल से पहले एच नॉट लिखना मत भूलिएगा कि एच नॉट रिप्रेजेंट व्हाट. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है. राइट, सो एक हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया, देन उसके बाद हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हो गया. नाउ आई विल कैलकुलेट द काई स्क्वायर फ्रॉम द टेबल. सो काई स्क्वायर टैबुलेटेड एट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एन माइनस वन. नाउ व्हाट इज एन ओवर हियर, कितनी वैल्यूज हमें गिवन है? 1, 2, 3, 4. तो बेसिकली यहां पे एन की वैल्यू हो गई 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा 4 - 1 दैट इज 3. सो सेम थिंग कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 3 पे सामने हम कौन से बाय डिफॉल्ट लेवल को लेते हैं? 0.05 वाले को, यानी 5% सिग्निफिकेंस लेवल को लेते हैं. तो ये क्वांटिटी आपकी बनेगी 7.815. तो दिस इज द वैल्यू टैबुलेटेड 7.815. राइट, सो नाउ व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू? दिस इज 0.47. व्हाट इज द टैबुलेटेड वैल्यू? 7.815. तो रिजल्ट क्या बन रहा है? काई स्क्वायर टैबुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड, हेंस एच नॉट इज एक्सेप्टेड. दैट मींस थ्योरी और ऑब्जर्वेशन यानी थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है. अब यही रीजन है कि इस टेस्ट को मैंने आपके लिए बोला था गुडनेस ऑफ फिट, क्योंकि ये टेस्ट आपको क्लियरली कर रहा है कि थ्योरी जो कह रही थी वो ऑब्जर्व केस में एक्सपेरिमेंटल केस में कितना एक्चुअली फिट बैठ रहा है, यानी हमारे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट कितना मैचअप कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट. राइट, सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल. एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है, दिस इज अ सेकंड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. अ डाई इज थ्रोन 276 टाइम्स एंड द रिजल्ट ऑफ दीज थ्रोन आर गिवन बिलो. राइट, डाई है, उसे आपने 276 टाइम थ्रो किया है, तो उस डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो ये नंबर कितनी बार अपियर हुए हैं आउट ऑफ 276, ये फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे गिवन है. तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई? जी हाँ, ये फ्रीक्वेंसी हो गई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओ आई.
यानी कि दिस टाइम अब मेरे पास यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 6, बिकॉज दिस टाइम दे आर नंबर ऑफ केसेस 6, राइट। सो यहाँ पे ओ वन की वैल्यू है, ओ टू की वैल्यू है, ओ थ्री की वैल्यू है, ओ फोर की वैल्यू है, ओ फाइव की वैल्यू है, ओ सिक्स की वैल्यू है, एंड दिस इज द वैल्यूज दैट इज 40, 32, 29, 59, 57 एंड 59। We have to calculate what? We have to calculate the experimental one, yani what is E1, E2, E3, E4, E5, E6, right? Now, theory kya kehti hai? Ab wo aage kehta hai ki test the whether the die is biased or unbiased, right? Yani ki die biased to nahi hai, ki die mein koi ek particular number jyada bar appear to nahi ho raha. To hum theoretical kya kahenge? Agar koi die hai to wo unbiased honi chahiye. Right, the die is not biased. और अगर die biased नहीं है तो that means कि H not हमारा क्या लिखा जाएगा, die is not biased. That means theory और observation में कोई difference नहीं है. अब die is not biased का मतलब कि हमारी expected frequency क्या होनी चाहिए, expected value क्या होनी चाहिए, कि जितने हमारे outcomes हैं उन सभी के आने की probability क्या होती है, same. यानी कि 276 divide by 6 तो ये हो जाएगा हमारा 46, क्योंकि 6 4 जा 24, रिमाइंडर बचा 3, तो 36, 6 6 36, सो दैट इज 46. यानी कि डाई के अंदर हर एक नंबर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 46 46 46 46 46 एंड 46. सो नाउ आई विल गेट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, आई हैव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग द टेबल. कि हमारे पास ओ आई आ चुका, हमारे पास ई आई आ चुका, अब कैलकुलेट कर लीजिए ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई टर्म. तो यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा 40 माइनस 46, तो यहाँ बचा 6 6 6 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 46, ऐसी 196 डिवाइड बाय 46, 289 डिवाइड बाय 46 डिवाइड बाय 46. अब यहाँ पे क्योंकि डिवाइड बाय 46 सब में कॉमन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हर एक में वैल्यू को डिवाइड नहीं किया, लास्ट में केवल इसका जो समेशन आएगा उसी को ऐड करके उसी 46 से आप डिवाइड कर देंगे तब भी सेम ही चीज आने वाली, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करने है 46 हमारा कॉमन हो जाता है. बट कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहें, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे कैलकुलेशन कीजिए. यू हैव टू कैलकुलेट दिस काई स्क्वायर वैल्यू. एक कैलकुलेशन है, दूसरी टैबुलेटेड है, जो कि कहां से आती है, टेबल से. सो काई स्क्वायर टैबुलेटेड किस वैल्यू पे कैलकुलेट करूंगा, एट 9-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो अब की बार एन माइनस वन कितना बनेगा, अब की बार हमारे पास वैल्यू है 6, तो 6-1 5. तो अगर आप 5 पे देखेंगे तो यहाँ पे ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5. 5 पे देखना है 0.05 वाले कॉलम में, तो दिस इज द वैल्यू 11.070. तो 11.07 इज द टैबुलेटेड वैल्यू. सो क्या रिलेशन बन रहा है, कैलकुलेटेड इज 21.3, टैबुलेटेड इज 11.01. दैट मींस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड, हेंस एच नॉट इज रिजेक्टेड. दैट मींस जो हमारी डाय है, हमने एच नॉट क्या माना था, एच नॉट माना था डाय इज अनबास्ट, डाय इज नॉट बास्ट. अब ये रिजेक्ट हो रहा है, दैट मींस डाय इज बास्ट, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द काई स्क्वायर टेस्ट, जहां पे आप गुडनेस ऑफ फिट चेक कर रहे हैं कि आपकी थ्योरी और ऑब्जर्वेशन दोनों में कितना बेस्ट फिट बन रहा है. सो आफ्टर दिस आई होप आपको काई स्क्वायर टेस्ट समझ में आया होगा, और अब एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और थ्योरिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है. नाउ एक और इंपॉर्टेंट काई स्क्वायर टेस्ट एप्लीकेशन है, जिसमें हम बात करेंगे दो एट्रीब्यूट्स में कितना डिपेंडेंसी आता है, राइट. वो भी हम काई स्क्वायर टेस्ट की हेल्प से चेक करते हैं, और ये इस काई स्क्वायर टेस्ट का हमारा सेकेंड एप्लीकेशन होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, कि काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां पे आप लोग दो एट्रीब्यूट में क्या रिलेशन है या नहीं है ये चीज चेक करने वाले हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सो जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.